दूध ये रखता है आपकी सेहत का ध्यान, क्योंकि इसमें है वो सारे तत्व जिनसे आपका शरीर, मस्तिष्क और मिजाज रहे स्वस्थ, तंदुरुस्त और ताजा। क्या ये आश्चर्य की बात है कि दूध को श्वेत अमृत भी कहा जाता है? इसी श्वेत अमृत के उत्पादन और बिक्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है पारस दूध। पारस दूध विक्रेताओं की दुनिया में ये एक ऐसा नाम है जो आज गुणवत्ता और भरोसे का प्रतीक बन गया है। पारस दूध का सफर श्री वेद राम जी ने सन 1960 में एक लघु दूध डेयरी इकाई के रूप में शुरू किया था, जब मात्र 60 लीटर दूध का उत्पादन होता था। आज रोजाना 20 लाख लीटर दूध का उत्पादन होता है। आज एक छोटी सी डेयरी ने 6 प्लांट्स का विशाल रूप ले लिया है। ये सभी प्लांट्स ISO प्रमाणित हैं। ये सफर मुमकिन हुआ सिर्फ एक मंत्र के कारण, गुणवत्ता के प्रति एक अटल प्रतिबद्धता। चलिए आज आपको दिखाते हैं कि पारस दूध को सभी मायनों में स्वच्छ, निर्मल और स्वादिष्ट कैसे बनाता है। साहिबाबाद के नजदीक एक गांव में जर्सी गायों का ये जमाव एक आम दृश्य है। इन पशुओं की देखरेख पारस के पशु विशेषज्ञों द्वारा की जाती है, जिससे इनकी सेहत और दूध उत्पादन की शक्ति अधिकतम रहती है। एक आम कैटल शेड यानी पशुओं को पालने की जगह से हटकर इन जगहों पर साफ सफाई आंखों के सामने देखने को मिलती है। सफाई सिर्फ जगह की ही नहीं, बल्कि इन गायों को दोहने वाले किसानों और यहां इस्तेमाल होने वाले बर्तनों में भी देखी जा सकती है। आप तक साफ स्वच्छ दूध पहुंचाने का ये मानो एक पहला पड़ाव है। यहां इस बात को दोहराना होगा कि पारस सिर्फ उन्हीं किसानों से दूध लेता है जो उनके स्ट्रिक्ट हाइजीन स्टैंडर्ड्स यानी स्वच्छता के कड़े नियमों का पालन करते हों। हर सुबह आसपास के कई गांवों से किसान पारस के करीब 2000 से भी ज्यादा विलेज लेवल यानी गांव स्तर के कलेक्शन और चिलिंग सेंटर्स में दूध पहुंचाते हैं। पारस सभी वर्ग के किसानों को प्रोत्साहित करता है। वो चाहे मात्र 10 लीटर लाने वाला साइकिल पर चला आता छोटा किसान हो या फिर 100 से 500 लीटर दूध लाने वाला बड़ा किसान हो। और सोनू बढ़िया? बस बढ़िया भैया। पारस की गुणवत्ता जांच की प्रक्रियाएं यानी क्वालिटी चेक्स यहीं से शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले दूध में वसा यानी फैट और सॉलिड नॉट फैट या SNF की मात्रा का पता लगाया जाता है। और क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में 5 से 7 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता, किसानों के सामने ही ये जांच की जाती है ताकि उन्हें अपने दूध की क्वालिटी का वहीं पता चल जाए। दूध में पानी की मिलावट को प्रोत्साहन न मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उन किसानों को ज्यादा दाम दिया जाता है जिनके दूध में फैट और SNF की मात्रा अधिक हो। चिलिंग सेंटर्स में एकत्रित हुए दूध को 5 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। यहां से दूध को प्लांट्स में भेजा जाता है। प्लांट्स तक पहुंचने के दौरान दूध को स्टेनलेस स्टील टैंकर्स में उसी 5 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है ताकि दूध का तापमान ना बढ़े। ये बात यहां गौरतलब है कि अन्य प्लांट्स की तरह पारस में आयरन पाइप्स या एल्यूमिनियम स्टोरेज टैंक्स का इस्तेमाल नहीं होता और स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स और टैंकर्स का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि इन कंटेनर्स में दूध को देर तक ठंडा रखा जा सकता है और दूध की गुणवत्ता भी बरकरार रहती है। प्लांट्स में पहुंचने के बाद इस दूध की गुणवत्ता की
पुनः जांच की जाती है। जांच के दौरान इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि पौष्टिक तत्वों के साथ दूध में कुछ ऐसी मिलावट तो नहीं है जो हानिकारक हो। स्वच्छता का स्तर हमेशा कायम रहे, यही पारस दूध की सफलता का राज है। इसी के चलते प्लांट में पहुंचने के बाद दूध को कई प्रक्रियाओं से ले जाया जाता है। ये सभी प्रक्रियाएं बंद मशीनों में होती हैं। दूध कहीं नजर ही नहीं आता और किसी भी समय इसे हाथ से नहीं छुआ जाता। नतीजा, प्रोसेस होकर जो दूध निकलता है वो स्वच्छ, शुद्ध और पौष्टिक होता है। इन सभी प्रक्रियाओं से निकलकर दूध दो उत्पादों में तैयार किया जाता है, एक टेट्रा पैक और दूसरा पॉलीपैक में। टेट्रा पैक में बंद करने से पहले दूध को 140 डिग्री सेल्सियस तक 2 से 4 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और उसके तुरंत बाद 20 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। टेट्रा पैक में दूध बंद होने के बाद भी गुणवत्ता की जांच जारी रहती है। रैंडम चेक्स यानी कन्वेयर बेल्ट से किसी भी पैकेट को निकालकर उसका परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण से यह सुनिश्चित किया जाता है कि दूध गुणवत्ता के हर मापदंड में खरा है। बारीकी से जांच करने के बाद इन पैकेट्स को बाजार में भेजा जाता है। यहां यह बताना जरूरी है कि टेट्रा पैक में बंद दूध 4 महीने तक खराब नहीं होता। दूसरी पैकेजिंग है पॉलीपैक। पॉलीबैग्स में दूध बंद करने की प्रक्रिया अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा की जाती है। यहां पर भी दूध को बिना हाथ से छुए पॉलीबैग्स में बंद किया जाता है। दूध का पाश्चराइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, जिससे दूध को 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के बाद इसे तुरंत 5 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। पारस उत्तर भारत में एकमात्र ऐसा दूध है जिसकी प्रोसेसिंग में बैक्टोफ्यूजिंग नामक एक प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है। इस प्रक्रिया से दूध में किसी भी हानिकारक कीटाणु के होने की आशंका पूरी तरह से खत्म हो जाती है। दूध को 5 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके इसी तापमान पर बाजार में भेज दिया जाता है ताकि दूध की ताजगी बरकरार रहे। पॉलीबैग्स में दूध फुल क्रीम, टोन्ड और डबल टोन्ड के रूप में उपलब्ध है। इसके अलावा पारस दूध पारस मिल्क पॉइंट पर भी उपलब्ध है। इसे हम PMP कहते हैं। ये ऑटोमैटिक वेंडिंग मशीन है और इसके द्वारा हमें पारस का होमोजेनाइज्ड टोन्ड दूध मिलता है। रात के अंधेरे में ही पारस दूध बाजार में वितरण के लिए भेज दिया जाता है ताकि पारस के उपभोक्ताओं यानी आपको सुबह सुबह ताजा, शुद्ध और स्वादिष्ट दूध मिले। पारस गुणवत्ता का प्रतीक है। इसी गुणवत्ता के चलते पारस को ISO 9001 से प्रमाणित भी किया गया है। दूध के अलावा इनके उत्पादनों में और दूध के उत्पाद जैसे देसी घी, दही, पनीर और लस्सी शामिल हैं। इसके अलावा पारस मिनरल वाटर और सोडा भी बनाते हैं। पारस का दानेदार देसी घी 500 ग्राम, 1 किलो और 5 किलो के टेट्रा, टिन और पॉली जार की पैकिंग में उपलब्ध है। आपको पारस का दही 100, 200 और 400 ग्राम की एयर टाइट पैकिंग में मिलता है। पनीर 200 ग्राम के पैक में उपलब्ध है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पारस दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में दूसरा सबसे बड़ा दूध विक्रेता है, जो करीब 20 लाख लीटर दूध का वितरण करता है।
यहाँ रोजाना करीब 20 लाख लीटर दूध और उससे बने उत्पादों का उत्पादन होता है, जिसमें 6 लाख लीटर दूध एडिबल ग्रेड कैसीन में कन्वर्ट किया जाता है और 6 लाख लीटर दूध SMP, डेयरी मिक्स आदि में। पारस बरसों से शुद्धता पर कायम रह के आज इस देश के लाखों करोड़ों लोगों के लिए ये नाम शुद्धता की पहचान और गुणवत्ता का पर्याय बन गया है।